नमस्कार, मैं प्रिया। आज 2 जनवरी, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी ही खबरों को। भगवान के दर्शन पूजन से हुई नए साल की शुरुआत। 2021 का स्वागत भगवान के दर्शन पूजन से किया गया। सुबह के 6 बजे से शहर के मंदिरों में भीड़ देखनी शुरू हो गई थी। नई उम्मीदों के साथ नए साल का स्वागत करने लोग सबसे पहले मंदिर पहुंचे थे। 2020 को भूलकर 2021 के जोरदार स्वागत इससे बेहतरीन तरीके से हो भी नहीं सकता था। राज्य भर में अलग अलग शहरों के छोटे बड़े मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही लोग लाइन में लग गए, फूलमाला और प्रसाद खरीदने के लिए लंबी कतार लगी। इस बीच रंग बिरंगे गुब्बारे और के भी लोगों ने खरीदे। पटना के अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल पर जारी किया कैलेंडर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल के अवसर पर कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सचिवालय में 2021 का कैलेंडर और बिहारी डायरी जारी किया। इस मौके पर मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव मनीष कुमार वर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, निदेशक प्रदीप कुमार झा समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं इसको जारी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश एवं देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि नया समस्त ग्रामवासी एवं देशवासियों के लिए सुख समृद्धि और अनंत सफलताओं का साल होगा। भागलपुर के बाबा अजगबीनाथ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यहाँ पर बाबा अजगबीनाथ का विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। देश के विभिन्न स्थानों से कांवड़ियाँ यहीं से गंगा जल लेते हैं, जिसे देवघर में बाबा वैद्यनाथ को चढ़ाते हैं। यहाँ की गंगा नदी उत्तर वाहिनी है। सुल्तानगंज तीर्थ स्थल के अलावा पुरावशेष के लिए भी जाना जाता है। आपको मालूम हो कि 1553 में स्टेशन से इस प्रतिमा को पाया गया था, जो इंग्लैंड के बर्किंगम म्यूजियम में रखा गया है। बिहार सरकार के सभी डीएम को जारी किया गया सख्त फरमान। बिहार सरकार लगातार जमीन संबंधी विवादों के निपटारे में तेजी लाने की बात कह रही है। इसको लेकर अब तक सरकार ने कई निर्णय भी ले लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 दिसंबर को विभाग की हाई लेवल मीटिंग भी करवाई थी, जिसमें यह बात आई कि अंचलाधिकारी से अन्य ड्यूटी ली जाती है। इस वजह से राजस्व संबंधी काम प्रभावित होता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा आदेश दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारियों को राजस्व एवं आपदा संबंधी कार्य के अलावा अन्य कार्यों में प्रतिनियुक्ति नहीं करें। सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी भी कर दिया गया है। बिहार के सरकारी स्कूल में छात्रों की रुचि के हिसाब से हुनर की होगी पढ़ाई। बिहार में शिक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके लिए रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है, जहां बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा में गुणात्मक बदलाव एवं सुधार की व्यवस्था हो रही है, जिसके बाद भावी पीढ़ी को बेरोजगारी से बचाने के लिए 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा की तरफ मोड़ने और जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को रुचि हिसाब से हुनरमंद भी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके बाद नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए हर एक छात्र को कम से कम किसी एक व्यवसाय से जुड़े कौशल को सिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। रुचि के हिसाब से वो एक से ज्यादा व्यवसाय से जुड़ा प्रशिक्षण भी अब ले सकते हैं। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 463 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 253,255 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 237 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में 23 तो वहीं कैमूर में 22 मामले सामने आए हैं। खादी के कपड़ों पर अब मिलेगी 20% की छूट। नए साल में खादी के कपड़ों में लोगों को बड़ी छूट मिलने वाली है। खादी ग्रामोद्योग आयोग 1 जनवरी से आगामी 12 जनवरी तक खादी एवं सिल्क वस्त्रों पर 20% की छूट देने जा रहा है। आयोग की तरफ से लोगों को 20% की छूट देने से बिक्री में वृद्धि होने की उम्मीद भी जारी की गई है। ग्रामोद्योग पर 10% की छूट देने की व्यवस्था फिलहाल की गई है। वहीं खादी ग्रामोद्योग को लेकर राज्य निदेशक BS बाबुल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान से स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ी है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोग की तरफ से खादी वस्त्रों पर 20% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए सभी जिलों में नोडल पदाधिकारी हुए तैनात। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2021 के सफल संचालन के लिए हर एक जिले में नोडल पदाधिकारी को नामित कर दिया गया है, जिसका काम शिक्षा विभाग ने पूरा किया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 13 फरवरी, जबकि मैट्रिक की 17 से 24 फरवरी को होने वाली है। जानकारों की माने तो शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए यह तैनाती की गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुनील कुमार ने अफसरों की तैनाती का आदेश जारी किया था। सभी नोडल अफसर 30 जनवरी से ही अपने प्रभाव वाले जिले में काम करेंगे। दोनों परीक्षाओं की समाप्ति पर निबंध जिला मुख्यालय में कैंप करेंगे और परीक्षा के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।
बिहार में अब सड़क हादसे के बाद एक कॉल पर आएगी एम्बुलेंस। अब तक सड़क हादसा होने पर कई बार कॉल करने के बावजूद लंबे समय तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता था, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक कॉल पर निजी एम्बुलेंस आपके द्वार पर उपलब्ध रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी एम्बुलेंस के लिए अब किसी को भी इंतजार नहीं करना होगा। इसके लिए प्राइवेट एम्बुलेंस का डेटा बनाकर उनकी सरकारी कॉमन इमरजेंसी फोन नंबर के साथ मैपिंग करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस काम को प्राथमिकता के आधार पर 3 महीने में पूरा करने के निर्देश को राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंप दिया है। आपको बता दें, इस काम के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क सुरक्षा पर एक विशेष कमेटी का गठन कर दिया है। बेतिया और जमुई में आज से चलेगा कोविड वैक्सीनेशन अभियान। पिछले लगभग एक साल से पूरे देश में कोविड 19 की परेशानी देखने को मिल रही है। हालांकि अब वैक्सीन के आने की उम्मीद जताई गई है, जिसके बाद अब विभिन्न स्तर पर अलग अलग राज्यों और जिलों में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हालांकि अब जानकारों की माने तो इस महीने के अंत तक बिहार में कोविड 19 वैक्सीन के 7 लाख डोज प्राप्त हो जाएंगे, जिसके बाद बिहार के 3 जिले पटना, जमुई और बेतिया में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद पटना समेत 2 अन्य जिलों में इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर बिहार पुलिस अपना रही जीरो टॉलरेंस की नीति। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्ट और ड्यूटी में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर पूरी तरीके से सख्ती से पेश आने के मूड में है, जिसके तहत ही बीते साल नवंबर तक यानी कि पिछले 11 महीने में 644 पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। यह आंकड़ा पिछले 11 महीने का जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि अभी यह आंकड़े और बढ़ सकते हैं। जानकारों की माने तो ये ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन पर मुख्य रूप से बालू समेत अन्य खनिज के अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्तता, मद निषेध कानून के पालन में कोताही, भूमि संबंधित मामलों में लापरवाही या पक्षपात करने जैसे मामले दर्ज थे। विज्ञान केंद्रों को मिला शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा। राजधानी पटना के नाम एक और उपलब्धि दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को नए खिताब से नवाजा गया है। विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जिनेवा में पटना मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही पटना मौसम विज्ञान केंद्र मौसम विज्ञान और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अवलोकन के दीर्घकालिक रिकॉर्ड वाले शहर के आला क्लब में शामिल हो गया है। आपको बता दें, पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को यह दर्जा बीते दिन हुए 72वें कार्यकारी परिषद की बैठक में दिया गया है। इस उपलब्धि के बाद पटना के मौसम वैज्ञानिकों में खुशी की लहर है। बिहार की टीम के 22 खिलाड़ी चेन्नई के लिए हुए रवाना। बिहार क्रिकेट टीम के 22 खिलाड़ी बीते दिन चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। चेन्नई में होने वाले सैयद मुश्ताक अली T20 मुकाबले में इस बार बिहार की टीम भी हिस्सा लेने वाली है, जो 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। टीम के कोच सैयद तरिकुर रहमान का कहना है कि कोविड 19 का समय है, इसलिए ज्यादा खिलाड़ी को वहां ले जाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर सभी को कोविड 19 जांच करवाने के बाद ही खेलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि टीम ने अच्छी खासी मेहनत की है, बिहार से जा रही टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा है कि बिहार टीम का पहला मैच 11 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश की टीम से है। IIT पटना के छात्र को मिला 52 लाख का पैकेज। IIT पटना के छात्रों का कैंपस सिलेक्शन लगातार जारी है, वहीं छात्रों का बेहतरीन प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार संस्थान के एक छात्र को सालाना 52 लाख के पैकेज का जॉब ऑफर मिला है। पहले फेज की चल रही कैंपस सिलेक्शन प्रक्रिया में अब तक का सर्वश्रेष्ठ ऑफर है। पहले एक छात्र को 43 लाख और अन्य एक छात्र को 47 लाख सालाना ऑफर कंपनियों की तरफ से दिए जा चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार एमटेक अंतिम वर्ष के छात्र को MPXIT सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सालाना 52.50 लाख का जॉब ऑफर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में फिजिकल हायरिंग को लेकर गाइडलाइन हुई जारी। पटना हाईकोर्ट में फिजिकल हायरिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि इससे पहले गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नए नियम से आम लोगों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं वकीलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत वकील अपने रजिस्टर्ड मुंशी के साथ ई पास पर गेट संख्या 2 से प्रवेश करेंगे। अगर उनके साथ ड्राइवर रहेगा तो वो गेट संख्या 3 से प्रवेश करेंगे। अगर हाईकोर्ट के आदेश पर किसी की उपस्थिति है तो वो गेट संख्या 3 से ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट में वकील संघ तथा लाइब्रेरी को बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट की कैंटीन को भी खोलने से फिलहाल मना कर दिया गया है। मुवक्किल के प्रवेश पर हर हाल में प्रतिबंध लगाया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शिव पूजन सहाय की। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में बिहार के आरा जिले में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता से पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। 1924 में लखनऊ से प्रेमचंद्र के साथ माधुरी का संपादन भी किया तो 1939 तक काशी में प्रवास और पत्रकारिता और लेखन का काम किया था। 1934 से 40 तक पुस्तक भंडार लेहरिया सराय में संपादन का काम किया था। 1946 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे तो 1950 से 1959 तक पटना में
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक भी रहे थे। वहीं उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में बिहार का नाम हर स्तर पर रोशन किया था। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा दी गई लीक की मानक उपाधि भी उन्हें दी गई थी। नए साल के मौके पर पर्यटकों के लिए खोला गया सीमांचल का बायोडायवर्सिटी पार्क। लंबे इंतजार के बाद नए साल के शुभ अवसर पर सीमांचल का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क खोल दिया गया है। लोगों को अब नए साल का जश्न मनाने का ठिकाना मिल गया है। पूर्णिया और अररिया की सीमा के बीच बसा कुसियर गांव में बना बायोडायवर्सिटी पार्क पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा। नए साल के शुभ अवसर पर इस पार्क में पूर्णिया और आसपास जिले के लोग बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने पहुंचे थे। हालांकि कोविड-19 संक्रमण की वजह से बीते 9 महीने से यह पार्क बंद पड़ा था, इसलिए पर्यटकों को नए साल के जश्न के लिए कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। लेकिन वन विभाग ने नए साल के मौके पर इसे बीती शाम से ही खोल दिया है। बिहार में 117 नए नगर पंचायत और 8 नगर परिषद बनने से केंद्र सरकार पर बढ़ेगा दबाव। बिहार के विकास की दृष्टि से यह स्थान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य में लगभग 150 नए बाजार को गुलजार करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। यही नए शहर विकास की रफ्तार को नई गति देने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी सहज तरीके से केंद्र सरकार पर यह दबाव बना दिया है कि अब केंद्रांश और राज्यांश और बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार के सामने यह मजबूरी होगी कि ना चाहते हुए भी बिहार का हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। अब उन्हें जमीनी आकार देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नए साल में नीतीश कुमार की योजनाओं से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। नया साल नई उम्मीद लेकर आया है और वहीं अब इस नए साल में बिहार के नीतीश सरकार की योजनाओं को एक साथ जमीन पर उतारने का फैसला किया गया है, जिसने हर खेत को पानी देने संबंधी योजना सबसे ज्यादा है। अपने चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जिक्र किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के टेक्निकल सर्वे का काम शुरू हो गया है। ऐसे समय में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने मौसम अनुकूल खेती योजना इस साल हर जिले में शुरू कर दी है। इसके साथ ही इसी रबी मौसम से योजना की शुरुआत हो चुकी है। हर खेत को पानी के लिए तकनीकी सर्वे के बाद जहां भी सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत होगी, सरकार अलग से इसकी व्यवस्था करेगी। नए साल में बड़े उलटफेर के राबड़ी देवी ने दिए संकेत। नया साल नए अवसरों को लेकर आ गया है। वहीं राजनीतिक गलियारे में भी कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं। कई दिनों से एनडीए में जारी उठापटक को लेकर बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। वहीं सिक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार को फिर महागठबंधन में शामिल करने पर पार्टी के नेता विचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में जदयू विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर राबड़ी देवी ने उक्त बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में भी भाजपा ऐसा कर सकती है। भाजपा जब कर देती है तब पता चलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर निकले उनके बेटे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्रियों ने बीते दिन साल 2020 में अर्जित अपनी संपत्तियों का ब्यौरा पेश किया, जो कि अब कोई भी आसानी से सरकारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्रियों की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कुल मिलाकर 57 लाख की संपत्ति बताई गई है। इनमें 12 गाय और 6 बछड़ों से लेकर कंप्यूटर, एसी, कूलर और कसरत करने के लिए ट्रेडमिल और एक्सरसाइज साइकिल तक शामिल है। वहीं उनके बेटे निशांत कुमार के पास से ज्यादा संपत्ति है। निशांत कुमार के पास कुल मिलाकर 3 करोड़ की संपत्ति है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। रामकृष्ण के आदेश के बाद 1899 में साधु कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से मशहूर है, स्थित बेलूर मठ में रहने लगे। पद्म भूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक मन्नुतु पद्मनाभन का जन्म 1878 में हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार और उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ था। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एस आर श्रीनिवास वर्धन का जन्म 1940 में आज ही के दिन हुआ था। आखिरी 2 टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा नहीं होंगे टीम इंडिया के उपकप्तान। पिछले 2 टेस्ट मैच में भारतीय टीम को उपकप्तान के रूप में संभाल रहे चेतेश्वर पुजारा अगले मैच में उपकप्तान की भूमिका निभाते नहीं नजर आएंगे। अब यह जिम्मेदारी बीसीसीआई ने किसी और को दे दी है। भारतीय कंट्रोल बोर्ड ने पूरी तरह फिट होकर वापस लौटे सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 7 जनवरी से होने वाले 3rd टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल करने के साथ साथ उन्हें उपकप्तानी भी सौंपी है, जिसके बाद रोहित शर्मा को न केवल टीम में शामिल कर लिया गया है बल्कि उन्हें सिडनी में 3rd टेस्ट में सलामी बल्लेबाज के लिए उतारा जाएगा। और अब तक 2 टेस्ट की 4 पारियों में फेल रहे ओपनर मयंक अग्रवाल को प्लेइंग 11 से बाहर जाने की उम्मीद भी जताई गई है।
व्हाट्सएप पर जल्द आ रहा है मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप काफी समय से मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर पर काम कर रहा है। इसके जरिए यूजर पर ही व्हाट्सएप अकाउंट को एक से ज्यादा डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकेंगे। लगातार इससे जुड़ी डिटेल सामने आती रहती है, पर अब एक ताजा रिपोर्ट में मल्टी डिवाइस सपोर्ट की टेस्टिंग के बारे में नई जानकारी मिली है। व्हाट्सएप की जानकारी रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो के मुताबिक व्हाट्सएप टेस्टिंग कर रहा है और जब यह फीचर इनेबल किया जाएगा तो व्हाट्सएप कॉलिंग किस तरह काम करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग डिवाइस पर कॉलिंग फीचर की टेस्टिंग पिछले हफ्ते से की जा रही है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,940 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,940 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है संजय प्रसाद, लखन कुमार, रोशन पटेल, रोहित कुमार, सिकेंद्र कुमार यादव, प्रकाश प्रजापति, शरद कुमार, असलम राज, कौशल कुमार क्रूश, आशीष कुमार, राकेश कुमार, प्रियांशु कुमारी, शंकर राज, महत्वपूर्ण ज्ञान, धर्मेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपने अपने नए साल को कैसे मनाया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।